हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो स्वामी आत्मानंद उत्तिष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला गरियाबंद से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी जिलों का लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को सबसे पहले अवेलेबल हो जाए या प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गरियाबंद जिले के 5 विकास खंड में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्तिष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फिंगलेश्वर, देवभोग, छुरा, मैनपुर और गरियाबंद के लिए सभी 10 शिक्षकों की भर्ती अस्थायी रूप से करने हेतु योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गरियाबंद के पत्र क्रमांक 3122 अंग्रेजी माध्यम सभी 10 शिक्षक भर्ती 2021 गरियाबंद दिनांक 16/8/2021 से विज्ञापन संशोधन क्रमांक 3194 अंग्रेजी माध्यम संविदा शिक्षक भर्ती 2021 गरियाबंद दिनांक 24/8/2021 के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 31/8/2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। मतलब यहां पर क्या है, 31/8/2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। इसके पश्चात जिले के गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, फिंगवेश्वर तथा देवभोग विकासखंड में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्तिष्ठ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु शैक्षिक पदों में से शिक्षक, यहाँ पर क्या है आपका, शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए, ग्रंथपाल के लिए और प्रयोगशाला सहायक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु इस प्रेस विज्ञप्ति के संलग्न अभ्यर्थियों के साक्षात्कार। मतलब यहाँ पर आपका शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल और प्रयोगशाला, इनका क्या हुआ, इंटरव्यू के उपरांत जो फाइनल लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। मतलब जो सिलेक्शन लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट है, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट है, उसका प्रकाशन गरियाबंद के जिले के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gariyaband.government.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, इसका जो PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा, आप लोग अबाउट सेक्शन से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वहाँ से भी आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या है, जिला गरियाबंद के द्वारा जो इंटरव्यू के उपरांत जो फाइनल लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट है या सिलेक्शन लिस्ट बोल सकते हो और जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया DO गरियाबंद के द्वारा। दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू दोस्तों।